अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस मैं अभी मौजूद हूँ बहरीन का जो एयरपोर्ट है उसमें। तो अभी हम आए पेशावर से, 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी, तो अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। थोड़ा सा मैंने कहा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, गल्फ एयर जो हमारी एयरलाइन थी जिसमें मैंने ट्रेवल किया, और साथ में इस जो जर्नी है इसके हवाले से। तो और ये भी इसमें मैं बताऊंगा कि आपको ये एयरपोर्ट, लाइक अगर आपका स्टे ज़्यादा है तो आपको होटल देते हैं या नहीं देते हैं, इसके हवाले से मैं बात करूंगा थोड़ा। तो विला को पूरा देखिए। तो गाइस यहाँ पे मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, फर्स्ट बहरीन और उसके बाद फिर जद्दा फाइनल डिस्टिनेशन थी। तो 8 आवर का वो था कनेक्टिंग फ़्लाइट में जो स्टे था 8 आवर का। तो मैं गया गल्फ एयर जो उनका डेस्क होता है, उनसे मैंने बात की कि मुझे होटल चाहिए। मैं सोच रहा था कि होटल बाहर होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बहरीन का भी व्यू दिखाता चलूँ, सिटी का, सिटी सेंटर इनकी जो कैपिटल सिटी है मनामा। पर ये था कि उन्होंने कहा कि आप लाइक आपने जो टिकट की है उसमें होटल का ऑप्शन नहीं है, कुछ का होता है, जिसका होता है तो फिर उसको होटल देते हैं, पर होटल ये एयरपोर्ट के अंदर रहते हैं, ये बाहर नहीं देते। लाइक आपको स्टैम्प नहीं लगता, वीज़ा नहीं लगता, या वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता, क्योंकि जो गल्फ एयर जो मैंने लिया था गल्फ एयर उसका ये सीन था। बाकी कतर एयरवेज़ का में भी शायद बाहर देते होंगे, उसमें शायद ये प्रोसेस हो, आपको स्टैम्प भी मिल सकता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है, मुझे आइडिया नहीं उसके हवाले से। पर जो गल्फ एयर अगर कोई ट्रेवल करता हो गल्फ एयर में और उसका 8 आवर डिफरेंस हो गया, 10 आवर या 5 आवर से ज़्यादा, और वो अगर सोचता हूँ कि मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा या मैं बाहर होटल में रहूँगा, तो ऐसा कोई सीन उसमें नहीं है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक। एक बंदी ने गल्फ एयर के थ्रू आया, उसकी होटल थी बुकिंग में, तो उसको होटल मिला और वो भी एयरपोर्ट के अंदर। और बाकी हाँ, अगर आप स्टे ज़्यादा 8 आवर में, आपको सिर्फ ई वाउचर मिलता है, और वो सिर्फ उसके लिए मिलता है कि आपको लाइक जो खाना है, सिर्फ आपको खाना मिलता है, ये जो मुझे ई वाउचर मिला यहाँ से डेस्क से। बाकी होटल में अगर आपका टिकट में है तो आपको देते हैं, अगर टिकट में नहीं है तो आपको नहीं देते। तो ये है, बाकी गल्फ एयर भी एक्सपीरियंस अच्छा था, एंजॉय किया, और सर्विस भी अच्छी थी, लैंडिंग काफ़ी स्मूथ हुई, टेक ऑफ भी काफ़ी स्मूथ हुआ पेशावर से। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि एक अच्छा एयरलाइन है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो ट्राई करेंगे। अभी भी एक और फ़्लाइट रहती है गल्फ एयर की, वो जाएगी जद्दा, और वो 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो बस ये सीन है कि हम लाइक बहरीन पहुँच गए सही सलामत आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो यहाँ से फिर इंशाल्लाह इरादा करेंगे उमरा के लिए भी, और बस आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे, और आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक मेरी जो नेक जर्नी है जिसमें मैं उमरा करने जा रहा हूँ वो अल्लाह कबूल करे। और बस ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें मेरे लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो भी शेयर कर दें, ताकि मेरे जो चाहने वाले, मेरे जो फ़ैन हैं यूट्यूब के, उनको ये पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें और उनको ये इंफॉर्मेशन मिले। बाकी ओवरऑल एयरपोर्ट का मैं थोड़ा सा वो दिखाता हूँ दूंगा कि एयरपोर्ट ये कैसा है, और उसके बाद फिर हम ये विला गेन करते हैं। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करते हैं।
गाइस, ये तो आपने देख लिया होगा कि ये जो एयरपोर्ट है काफ़ी साफ़ सुथरा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लाइक इनकी वाइब भी काफ़ी प्यारी थी, काफ़ी क्लीन है, नीट एंड क्लीन। और ये चूँकि ट्रांसफ़र एरिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं आपको मिलेंगे, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया ऊपर सीलिंग देखे। तो गाइस, ये तो थोड़ा सा ये व्लॉग था इस एयरपोर्ट के हवाले से और मेरा जो एक्सपीरियंस है गल्फ़ एयर के साथ, और साथ में जो मैंने इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों के, आप लोग टिकट यानी कि आप लोग होटल ले सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उम्मीद है आप लोगों को आइडिया होगा, मे बी किसी के लिए ये इंफॉर्मेशन वो साबित हो इम्पोर्टेंट। और हाँ गाइस, ये जो फूड वाला एरिया था इस एयरपोर्ट के 18 गेट के सामने फूड गार्डन आपको मिलेगा, वहाँ से आपको ई वाचर भी करीबी मिलेगा गल्फ एयर से, और साथ में आपको वो जो फूड गार्डन वाला एरिया वो भी मिलेगा। बाकी जो अगर होटल लेते वो गेट 15 के सामने आप लोग लेते, तो वो इनका अपना होटल है मे बी गल्फ एयर का, और बाकी कतर एयरवेज का मुझे पता नहीं कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे, पर मैं होटल भी आपको दिखा देता हूँ। और ये होटल का गेट है, इस होटल में आप रह सकते हैं अगर आपको आपने होटल लिया हो या और आपके टिकट में होटल इंक्लूडेड हो। बाकी बस ये गाइस, मैं आपको इधर मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा, तो बस ये मज़ीद वीडियो के लिए और मज़ीद आगे वीडियो आएंगी मेरे उम्र के हवाले से एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और बाकी जो मेरे जद्दा में टाइम है, मक्का में टाइम है, उसके हवाले से। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए काशिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़।